KSN 24 पल पल की खबर। और इस वक्त की सबसे अच्छी खबर आ रही है, जी हां, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के संकरगढ़ ब्लॉक की, जहां एक महिला और एक बच्चा मास्क बनाकर निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। जी हां, पूरी दुनिया जिस प्रकार से कोरोना के कहर से प्रभावित है, वहीं ऐसा काम यदि देखने को मिले तो यह तो तारीफ के काबिल ही होगा। महिला का नाम किरण पाठक है और बच्चे का नाम प्रयास तिवारी है। दोनों को KSN 24 परिवार की ओर से सलाम है। किरण जी, पूरी दुनिया अभी कोरोना का जो कहर है उससे गुजर रही है, उसके बारे में आज कुछ बताइए आप। मैं अपने पैसे से कपड़ा ले आई हूँ और मैं सिलाई करना जानती हूँ, मेरा खुद का मशीन है। मैं इसको मास्क बना के गरीबों में दे रही हूँ, लोग को बुला बुला दे रही हूँ और ये जागरूक कर रही हूँ कि आप इसको पहन के रखिए, इस बीमारी दूर करेगा और मतलब कि सहयोग कर रही हूँ। प्रयास जी, आप लोगों के द्वारा बहुत ही बढ़िया प्रयास किया जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम मिल के कोरोना को मुक्ति के लिए भगाने के लिए मास्क बना के गरीबों में बांटना चाहेंगे और हर इंसान को ये भी रहना चाहिए कि वह इस मास्क को पहने और अपने को बचाए, देश को सही। दीदी, ये जो मास्क लगाए हैं आपने, वो फ्री में दिए हैं या कुछ पैसा लिए हैं? फ्री में दिए, तो कैसा लगा आपको इन लोग का ये जो अच्छा कार्य देखने को मिला? अच्छा लगा। प्रत्युष जी, पूरे विश्व में अभी कोरोना का जो कहर है लगातार जारी है, उसके विषय में कुछ बताएं आज। कोरोना से सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लोगों को जितना हो सके घर में रहें, बार बार हाथ धोएं, अनावश्यक रूप से कहीं जाए ना। कोरोना का जैसे सुनने में आ रहा है कि उसका जो व्यू है वो 12 घंटा से ज़्यादा किसी स्थान पर नहीं टिक पाता है, अगर किसी के संपर्क में ना। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि रविवार को अपने समय कर्फ्यू बनाए, कम से कम सभी लोग को यह होना चाहिए कि रविवार के दिन कोई घर से ना निकले और इस महामारी में कोरोना को हराने का एक संकल्प ले। KSN 24 न्यूज़ के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट।